सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सीन बता देता हूँ क्या है, बहुत जल्दी जल्दी सारा पूरा सब कुछ करना है हमको। कल क्या था, कल अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एसेसरीज लगवाने का इसमें, लेकिन एसेसरीज कंपलसरी हैं, वो हमको लगवानी ही लगवानी है। तो वो एसेसरीज लगवाने के लिए आज हम फिर से महिंद्रा के शॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे एसेसरीज़ के सारे डब्बे एक एक करके खुल रहे हैं और गाड़ी सामने आपकी खड़ी हुई है। एसेसरीज़ हम लगवानी स्टार्ट कर देते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी एसेसरीज़ है, प्लस कितने कितने रुपए की वो पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लो, गाड़ी खड़ी है अभी तक, ऐसे ही हार लगा हुआ है, अलॉय व्हील वगैरह भी मस्त लग रहे हैं भाई सब कुछ। तो एसेसरीज़ हमारी यहाँ पर आ गई है मड फ्लैप, मड फ्लैप के बाद में हमारा आ गया है रेनवाइज़र, रेनवाइज़र के बाद में आ गई हैं शेड्स, जो मिरर की शेड्स होती हैं वो। उसके अलावा हमारी जो डोर हैंडल्स हैं उसके ग्लॉसी वाली फिनिशिंग के वो आ गए हैं, कवर एक तरह से कवर ही कहेंगे ना उसको, हाँ हाँ, और स्किट प्लेट आएंगी इसकी और 7D मैट्स आएंगे। और उसके अलावा मतलब जो जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाता रहूँगा। सबसे पहले यहाँ देखो भैया, ये नट खोल रहे हैं और इसको मड फ्लैप को लगा रहे हैं। जैसे मड फ्लैप लगेगा फिर दूसरा पार्ट लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। तो भाई एसेसरीज़ भी लगवानी ज़रूरी हैं अगर आप महिंद्रा से गाड़ी ले रहे हो और जल्दी ले रहे हो तो। और हमारी तो ऑलरेडी तुम्हें पता है 11 तारीख को मिल चुकी है, तो कल टाइम मिला नहीं नंबर की वजह से हम बहुत लेट हुए हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, 9:30 यहीं बज गए थे हमको लगभग। बाकी आप देखो कितना टाइम लगता है इसको एसेसरीज़ को लगवाने में। ये आ गई है भाई अपनी, क्या कवर आ गया है भाई गाड़ी का, बाकी देख लो है तो थोड़ा सस्ता सही, नॉर्मल सही है, 1600 रुपये का। चलो कवर बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है लेकिन होना ज़रूरी है, होना ज़रूर चाहिए ये चीज़। उसके अलावा जो अदर चीज़ है वो मड फ्लैप है, मड फ्लैप दिखा देता हूँ आपको कितने रुपए के हैं। ये भी लगभग 1500 रुपये के हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है 1499 रुपये। उसके अलावा ये हमारे शेड्स हैं गाड़ी के, ये शेड्स कितने के हैं, 1933 रुपये के शेड्स हैं ये। और उसके अलावा ये हमारे जो ग्लॉसी फिनिश में डोर के वो हैं कवर्स हैं, ये दिखा देता हूँ आपको कितने रुपए के हैं। ये भी इसमें शायद प्राइस लिखा है, नहीं लिखा है कहीं, हाँ ये देखो 1890 रुपये का ये है, 1890। और उसके बाद 1890 है, उसके बाद कवर देखो 1600 रुपये का था। उसके बाद अबे ये क्या चीज़ थी पुरु भैया, ये क्या चीज़ थी, ये 70 मैट हैं भाई, ये हैं 8990 रुपये के, 8999 रुपये ये प्राइस देखो, 8999 रुपये के ये मैट हैं। उसके अलावा ये फ्रंट की और बैक की वो है 2000 रुपये की ये है। ये हमारे रेनवाइज़र हैं और रेनवाइज़र का प्राइस क्या दिया, 2999 लगभग 2900 रुपये के ये हैं, 2999 रुपये के, 3000 रुपये के लगभग डोर वाइजर हैं। क्रोम फिनिश में ये चलो चीज़ अच्छी है क्योंकि क्रोम यहाँ पे आ रहा है ना हमारे अलॉय में, तो ये मैच हो जाएगा, ये अच्छा लगेगा, ये बात बढ़िया, चलो वेल एंड गुड। उसके अलावा हमारा एक चीज़ और है वो है ये है फ्रंट का बम्पर गार्ड एक तरह से कह सकते हैं इसको, 2000 रुपये का। भैया दिखा देना इसको ज़रा कैसे लगता है ये, ये देखो भाई ये बम्पर गार्ड है एक तरह से मान लो इसको, ये यहाँ से निकलेगा। इसकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो चिपकने वाली हैं भाई, फिट होने वाली कम है। ये बम्पर गार्ड है भाई, ये आएगा यहाँ, ये ग्रे पे तो ब्लैक थोड़ा अजीब सा लग रहा है गुरु, यहाँ देखियो है ग्रे पे ब्लैक ना सही लग रही है, ना अच्छी लग रही है। चलो ठीक है भैया लगा दो इसे अभी, चलो जी एसेसरीज हो गई है हमारी डन। और भैया थोड़ा फिक्स करके लगाना है, इधर उधर ना हो, मज़ा आना चाहिए हर चीज़ में, एक नंबर लगनी चाहिए हर चीज़, जेन्युइन है भाई, मज़ा आ गया भैया। मड फ्लैप लगा रहे हैं, एक चीज एक तो मड फ्लैप लगा चुके हैं, दूसरा भी लगा चुके हैं भाई, वेरी गुड। ये आ गए भाई अपने दोनों रेनवाइज़र एक साइड के, के बाद दूसरी साइड के जाएंगे भाई। भाई क्या फिट एंड फिनिश है, मस्त नाप तो पूरा सही है, बाकी ये क्रोम फिनिश जो है ये बढ़िया लग रही है,
इसके डी पार्ट का नहीं आता, डी पार्ट का भी होना चाहिए था, मजा आया था। फिर भी होना तो चाहिए था। चलो दूसरी रोड का लगा रहे हैं भैया, आप उसे भी देख लें मैं एक बार। ये देखो ये ऐसा छुट रहा है, अलग है। ये हो गया जी फिक्स, बहुत बढ़िया भैया। चलो जी अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी में ना हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट में छेड़छाड़ नहीं करवानी है, तो ये जो फॉग लैंप है इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, है तो ये भी एलईडी, लेकिन हमको प्रोजेक्टर लगवाना है तो हम इसको चेंज करवा के प्रोजेक्टर लगवा देंगे इसमें सिंपल। तो कोई पार्ट इसका कट होगा नहीं, दोनों हट जाएंगे आराम से और सीधा कपलर टू कपलर फिक्स हो जाएगा प्रोजेक्टर का, वो जो प्लग इन होता है प्लग आउट होता है वो, और सीधा प्रोजेक्टर वर्किंग हो जाएंगे डायरेक्ट, तो उसमें छेड़छाड़ भी छोड़ दूँगा। बाकी ये बम्पर गार्ड एक बार लग जाए उसके बाद देखते हैं गाड़ी का लुक क्या आ रहा है। ये देखो टोइंग हुक कहाँ आ रहा है भाई, बम्पर गार्ड तो इसमें है प्रू, वो गार्ड तो इसमें इंजन गार्ड तो है प्लास्टिक का, लेकिन प्लास्टिक का वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्लास्टिक का वो प्लास्टिक का है, ठीक है चलो देखते हैं उसका। ये आ गए भाई अपने मैट, मैट भाई ये आगे देखो ग्लॉसी फिनिश में डोर की बिडिंग, हाँ वो तो है लेकिन नीचे वाला ये वाला नहीं है ना, इसकी वजह से शायद ये ग्लॉसी वाला लगवाया उन्होंने, ये लग गया जी। हाँ ये लग गया, मस्त लग रहा है वैसे तो। चलो एक पीछे आएगा यहाँ पे, लो जी यू भी फिक्स हो गया, दो फिक्स हो गए, अभी यू भी फिक्स हो जाएगा तीसरा, तीसरा वाला दो पार्ट में, यू बड़ा सही लगा मुझे, मज़ा आ रहा है देख के। यू आ गया भाई पीछे वाला, ऐसा हो गया फिक्स, लग गया जी ग्लॉसी हैंडल हो गया। हैंडल हो गया ग्लॉसी, खोलो बंद, खोलो बंद, बहुत बढ़िया। ये वाला तो आपने देख ही लिया, इसका साइड वाला जो है ना ये बहुत छोटा है भैंस की आँख, अब ये क्यों इतना सा दिया है मेरे को समझ में नहीं आया, कम से कम यहाँ तक ये यहाँ तक उसको दे ही सकते थे, यहाँ तक अगर ये खुलता भी तो अभी अड़ता नहीं, ये तो अभी भी मैट ही लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो जितना भी है लगवाना तो ज़रूरी है क्योंकि एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी आपको, वरना मैं तो एक भी चीज़ ना लेता यहाँ से, सब आफ्टर मार्केट करा। ये लो जी ये आ गया है अपना पीछे का मैट, ये डोर मैट आ गया जी पीछे का, बाकी आगे के देख लेते हैं अभी। तो भाई ये लग गया है अपना बम्पर गार्ड, तो अब ये स्क्रैचेस से बम्पर को बचा लेगा क्योंकि गाड़ी सबसे ज़्यादा यहीं से थोड़ा बहुत जो कुछ होती है, और उसके नीचे जो होती है ये अपना प्लास्टिक का इंजन गार्ड लगा हुआ है और ये बम्पर गार्ड लग गया, तो यहाँ से जो अगर कोई गाड़ी पे स्क्रैच पड़ती तो ये उसको अब हैंडल कर लेगा। बाकी मड फ्लैप्स चारों लग चुके हैं, वहाँ पर मैट लग रहा है उस साइड वाला, इस साइड वाला रह गया है अभी, ये वाले मैट लग चुके हैं अपने 70, बीच में कोई हम्प नहीं है अपनी गाड़ी में, सबसे बड़ी बात ये पीछे एसी माउंट्स दिए हुए हैं, सी टाइप चार्जर का ऑप्शन भी है, बहुत बढ़िया। ये लग चुके हैं और ये भी लग चुके हैं,